हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 444 किलो अवैध डोडा पोस्ट सहित एक ईसूजी गाड़ी को किया जब्त। 44 किलो अवैध डोडा पोस्ट सहित एक ईसूजी गाड़ी को किया जब्त। पुलिस उप अधीक्षक जाखड़ के नेतृत्व में वर्ष 2021 में लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ 21वीं बड़ी कार्रवाई। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के बेहतरीन सुपरविजन में मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत शिवपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 क्विंटल 44 किलो 18 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित एक ईसूजी गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने बताया कि शिवपुरा थाना अधिकारी अनिल कुमार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक ईसूजी गाड़ी सोजत की तरफ से आ रही है, जो गोदेलाव होकर जोधपुर की तरफ जाएगी, जिस पर थाना अधिकारी अनिल कुमार एवं मई टीम द्वारा रूपावास गोदेलाव रोड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक ईसूजी गाड़ी रूपावास की तरफ से आई, जो पूर्व से चल रही नाकाबंदी को देखकर चालक ने नाकाबंदी से पहले ही गाड़ी रोक दी एवं चालक तथा उसका साथी दोनों ही गाड़ी से उतरकर झाड़ियों की तरफ भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जाकर चेक किया तो उसमें 4 क्विंटल 44 किलो 18 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट पाया, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी सहित अवैध डोडा पोस्ट को जब्त किया गया तथा NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार अग्रिम अनुसंधान मारवाड़ जंक्शन तथा अधिकारी मनोहर सिंह को सौंपी गई। ये थे टीम में। इस कार्रवाई के दौरान शिवपुरा थाना अधिकारी अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल नाथुराम, कांस्टेबल सुनील गोपाल राम, संजय सिंह, प्रकाश चंद्र, मनीष तुलसी राम आदि शामिल थे। जागरूक टीवी की सोजत सिटीजन अथाराम बोराना की रिपोर्ट।